आपको बताएं कि नए माली साल की आमद से कबल कमिश्नर बहावलपुर की जेर सदारत डिवीजन भर में जारी 22 नई तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास हुआ। नई सड़कें बनाने के 3 मंसूबों को रीडिजाइन करने की मंजूरी, जबकि BDA की जानिब से 131 मिलियन से जायद की वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी भी दी गई है। नए बजट की आमद से कबल कमिश्नर नैयर इकबाल की जेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें डिवीजन के 22 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों में महकमा शाहराह की 3 स्कीमों का सरेनो जायजा, बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 1 स्कीम की मंजूरी, जबकि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेर इंतजाम 18 तरक्याती मंसूबों का जायजा और मंजूरी दी गयी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर राना मोहम्मद सलीम अफजल समेत आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा शाहराह की स्कीम मेटल रोड गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक 65 अबासिया रोड का असर नो जायजा लिया गया। सड़क की लंबाई 6.65 किलोमीटर और असर नो तखमीना लागत 57.169 मिलियन रुपए होगी। कुशादगी बहाली मेन रोड सादिकाबाद सिटी नश्तर चौक ता फ्लाईओवर ता चक नंबर 150 मंसूबे का असर नो जायजा लिया गया। रोड की कुल लंबाई 3.20 किलोमीटर, असर नो तखमीना लागत 74.53 मिलियन रुपए होगा। कुशादगी बहाली मेटल रोड हाकड़ा पुल ता वलहार तहसील फोर्ट अब्बास का भी दोबारा जायजा लिया गया। रोड में तरमीम के बाद उसकी कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर, असर नो तखमीना लागत 51.624 मिलियन रुपए होगा। इजलास में कुशादगी और बहाली रोड कांजू चौक ता सिविल अस्पताल बहावलपुर लंबाई 1.69 किलोमीटर पर नया 119 मिलियन का तखमीना लगाया गया। वाटर सप्लाई पाइपलाइन स्कीम रसूल सरता रनहाल टोबा जिलापुर तखमीना लागत 131.181 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। कमिश्नर का कहना था कि तरक्याती मंसूबों को आला मयार के मुताबिक तयशुदा वक्त पर मुकम्मल किया जाए, लागत में इजाफा नहीं होने देंगे। तमाम इंतजामी अफसरान मंसूबों की रफ्तार और मयार की बेहतरी को यकीनी बनाए।